नमस्कार दोस्तों, मैं सिंटू कुमार, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे जिसका नाम है राज सिंटू कुमार। तो दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं आज की, कल तो दोस्तों वीडियो दिखाया था आप लोग को कि वो 3G 4G वेल्डिंग कैसे होता है, तो दोस्तों उसी का दोस्तों वीडियो होने वाला है आज की। तो दोस्तों कल आपको कैपिंग दिखा नहीं पाया था, तो आज दोस्तों उसका दिखाता हूँ मैं आपको कैपिंग और उसका फाइनल कैसे हुआ है, नहीं हुआ है, फाइनल कैसा हुआ है, फाइनल होने के बाद में क्या क्या हुआ है उसमें प्रोसेस। तो दोस्तों उसी के दोस्तों अकॉर्डिंग वीडियो होने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं वीडियो में क्या देखने मिलता है हम लोगों को। तो देखिए दोस्तों ये पूरा पीस, मतलब जो 3G और 4G का जो पीस वेल्डिंग दोस्तों करके रखा हुआ है वो दोस्तों पूरा पीस रेडी हो गया है और पीस पूरा यहाँ पे आ चुका है, जो कि पूरा वेल्डिंग करके पूरा रेडी किया गया पीस है ये। तो देखिए दोस्तों ये पूरा फिनिशिंग कितना अच्छा फिनिशिंग हुआ है सभी जॉइंट का। देखिए दोस्तों ये एक आदमी का पीस है जो कि 3G पोजीशन का पीस है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा कितना अच्छा पीस हुआ है। ये भी 3G पोजीशन का पीस है, देखिए दोस्तों कितना अच्छा फिनिशिंग कितना अच्छा हुआ है। और दोस्तों 3G पोजीशन में पीस इतना अच्छा वेल्डिंग करना है बहुत ही मतलब मुश्किल काम होता है, पर दोस्तों जितना भी वेल्डर है सभी अच्छे से अच्छे अच्छे सभी वेल्डर हैं, तो इसके लिए पीस भी अच्छा वेल्डिंग हुआ है सभी आदमी का। तो देखिए दोस्तों सभी दोस्तों जितना भी पीस है सभी जो भी नंबर लिखा हुआ है सबका इसमें वेल्डर नंबर लिखा हुआ है, और जितना भी वेल्डिंग हुआ है वो सभी दोस्तों अच्छा अच्छा क्वालिटी में वेल्डिंग हुआ है। देखिए दोस्तों सभी वेल्डिंग जितना भी है, और दोस्तों सभी में दिखा रहा हूँ आप लोगों को 3G और 4G, मतलब 3G। और दोस्तों ये देखिए दोस्तों इसका जो बैक चिपिंग जो करते हैं, बैक चिपिंग करने का इस साइड में ये इसका कैपिंग होके रखा हुआ है। देखिए दोस्तों बैक चिपिंग कैसे किया गया है वो पूरा इसका फिनिशिंग देकर रखा हुआ है इसमें। देखिए दोस्तों कितना अच्छा उसमें बैक चिपिंग इसमें किया हुआ है। देखिए दोस्तों इसमें, और दोस्तों बैक चिपिंग होने दोस्तों जो पहले इसमें ग्रेडिंग किया जाता है, उसके बाद उसको फिर वापस बेल्डिंग होता है इसमें बैक चिपिंग करने के टाइम में। तो देखिए दोस्तों कितना अच्छा से इसमें सब काम हुआ है इसमें पूरा बैक चिपिंग करने के लिए कितना अच्छा। और दोस्तों कुछ जो पीस है वो 3G है, कुछ जो पीस है वो 4G है, क्योंकि दोस्तों दो टेस्ट हुआ था यहाँ पर 3G 4G, तो इसमें सभी पीस जो है वो रखा हुआ है, और जो भी दोस्तों वेल्डर नंबर सभी वेल्डर नंबर लिखा हुआ है इस पर है। और यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ पे पूरा जो पीस है वो पूरा पीस यहाँ पे, मैं थोड़ा अंधेरा थोड़ा हो गया इस टाइम में इसका दोस्तों, अलग अलग मैं वीडियो में आगे डाला हुआ हूँ मैं, जो कोई दोस्तों जो थोड़ा अच्छा दिख रहा है वो 3G पोजीशन है, और जो थोड़ा बेकार दिख रहा है वो 4G पोजीशन है। पर दोस्तों मैं आप लोग को दिखा देता हूँ आप लोग को कि इसमें दोस्तों सब में लिखा हुआ है कि कौन सा 3G है, कौन सा 4G है, कौन सा पोजीशन पर है वो दोस्तों, सब इसमें जितना भी चीज़ है वो सब पे सभी पे इसमें तो जूम कीजिएगा तो सब पे लिखा मिलेगा। देखिए दोस्तों इसमें लिखा हुआ है 3G, मतलब ये वेल्डर नंबर जो है ये 476 है, और ये दोस्तों 3499 है। ये दोस्तों सब जितना पीस है सभी पीस पे इसमें अच्छा अच्छा वेल्डर नंबर और डेट, कौन सा पोजिशन पीस वेल्डिंग हुआ है वो सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। और ये देखिए दोस्तों देखिए नेक्स्ट दोस्तों दिन का वीडियो है ये, जिसका दोस्तों इसका RT हो चुका है। देखिए दोस्तों सभी का पीस का RT हो गया है, तो वो दोस्तों दिखाता हूँ मैं आप लोग को। ये दोस्तों 3G पीस है, ये इसमें दोस्तों लिखा भी हुआ है 3G पीस है, और डेट लिखा हुआ है 26/5/2022 को। और दोस्तों इस पर लाइनिंग दिखा हुआ है, मतलब इधर से एरो किया हुआ है, तो वो मतलब वो उस साइड से इसको फिल्म लगाया गया है, इसमें शॉट जो होता है शॉट जिसको फिल्म बोलते हैं, कोई कोई रील भी बोलते हैं, तो वो उसको लगाया गया है इसमें। तो अलग अलग साइज़ में अलग अलग पोजिशन पर इसको मतलब लगाया गया है पीस को आर्टी करने के टाइम में, तो उसको दोस्तों इसमें लाइनिंग दिया हुआ है। लाइनिंग करने के टाइम में इसमें जितना भी वेल्डर नंबर है सभी 182 उसमें दोस्तों जितना भी वेल्डर नंबर सबका वेल्डर नंबर इस पर दिया हुआ है। इस पर देखिए ये वाला जो है 499, इसमें दोस्तों दो बार आ चुका है 499 का वेल्डर का, और ये वाला कितना नंबर है वेल्डर नंबर, ये वाला वेल्डर नंबर है 452, और ये वेल्डर नंबर कितना है। तो दोस्तों सभी का पीस में इसमें दोस्तों एक नहीं 10 वेल्डर लोग जो है वो कंटिन्यू दोस्तों 499 है ये भी, मतलब इसका 4G का पीस हुआ ये। और दोस्तों इसमें 10 वेल्डर वेल्डिंग किया है इसमें, जिसमें कि लगभग सभी लोग पास हुए, ओनली 2-3 वेल्डर जो फेल हुए हैं, तो उसका ओनली पीस नहीं है, बाकी सबका ही है। देखिए दोस्तों ये है 182 जो भी है, और ये दोस्तों मेरा पीस है ये जो 506 जो भी कि मेरा पीस वेल्डर नंबर है ये 506, और दोस्तों 506 का ही इसमें दो पीस होगा, तो इसमें दो पीस कहाँ का है वो दोस्तों मैं दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि वो बहुत नीचे होगा पीस, क्योंकि दोस्तों देखिए इसमें ये चाक में अलग अलग पीस रखा हुआ है सभी, वो इसमें अलग अलग रखा हुआ है, तो एक मेरा 3G है एक मेरा 4G है, तो सभी तरह का इसमें दोस्तों पीस रखा हुआ है, जो कि RT रात को हुआ है, और RT होने के बाद में इसमें पीस में पूरा यहाँ पर जमा किया गया पीस है।
और दोस्तों मेन दोस्तों मेरा ये मोटिव दिखाने का है कि कैपिंग मतलब जो टेस्ट ओके होता है तो ओके होने के बाद में दोस्तों कैसा पीस होता है, कैसा क्या होता है, फिनिशिंग कैसा क्या रहता है, उसके लिए दोस्तों मैं ये वीडियो बनाया है आप लोग के लिए। क्योंकि 3G जो 4G जो वेल्डिंग हुआ वो तो वीडियो में ऑलरेडी डाल चुका हूँ मैं आप लोग के लिए। और दोस्तों का मैं आप लोग को मैं बोल चुका था कि इसमें जो है नेक्स्ट वीडियो आने वाला है जो कि वो पीस कैसा होने वाला वो मैं नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ। तो इसके लिए दोस्तों मैं आप लोग के लिए ये नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूं कि कैपिंग कैसे किया जाता है, मतलब कि जो कैपिंग होने के बाद कैसा दिखता है पीस, और उसके बाद में कैपिंग होने के बाद में फिर क्या क्या प्रोसेस होता है उस पीस में। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा दोस्तों गर्मी इस टाइम है, गर्मी भी दोस्तों है, शाम के टाइम है, फिर भी ज़्यादा गर्मी लग रहा है। तो यहाँ देखें दोस्तों सभी पीस यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पर जो दोस्तों यहाँ पर आटे के लिए पूरा पीस यहाँ तैयार हुआ है। और दोस्तों मेन जो होता है वो क्या दोस्तों होता है जो वेल्डिंग होने के बाद में उसको आटी किया जाता है, और आटी होने के बाद में दोस्तों मेन होता है उसका जो फिल्म आता है, फिल्म को चेक करना। तो चेक करने के लिए उसके लिए जो मेन होते हैं वो QC होते हैं, QC डिपार्टमेंट लोग, वो सभी लोग चेक करते हैं किसमें। और जो मेन क्लाइंट होते हैं, जैसे जो हम लोग के जो क्लाइंट हम लोग को काम देने वाले हैं, जो हम लोग से टेस्ट लिए हुए हैं, वो क्लाइंट चेक करते हैं पहले जो मेन फिल्म का जो आटी लिए हैं जॉइंट को, वो पहले QC चेक करेंगे। उसके बाद में फिर दोस्तों फिर जो हम लोग का जो डिबा हम लोग का जो कंपनी का आदमी है वो चेक करेंगे, और सब जगह से जो पास हो जाएगा तो फिर वो फिल्म को आगे जो है वो जो हम लोग का जो क्लाइंट है वहाँ दिया जाएगा पीस को। और उसके बाद में फिर जा करके पीस ओके होने के बाद में फिर सबको बोला जाएगा कि हाँ भाई सबके आदमी का पीस टेस्ट जो कल आप लोग मारे थे वो पीस सब ओके हो गया है, सभी टेस्ट पीस ओके हो गया, अभी आप लोग वेल्डर बन चुके हैं। नहीं तो दोस्तों वेल्डर नहीं, अगर टेस्ट पास हो गया तो वेल्डर है, टेस्ट पास नहीं हुआ तो वेल्डर का कोई महत्व नहीं है, कोई वेल्डर नहीं होता है। और यहाँ देखिए दोस्तों उसको ये दोस्तों पीस आप लोग को दिखा रहा हूँ मैं आप लोग को, दोस्तों फर्स्ट दिन जो आप लोग को दिखाया था पीस जो आटी होने वाला था वो भी दोस्तों आप लोग को दिखा दिया ऐसी वीडियो में, ताकि आप लोग को कोई जो शंका ना रहे। तो देखिए दोस्तों ये सभी पीस दोस्तों यहाँ पे सभी पीस दोस्तों यहाँ जो पाइपिंग है और यहाँ पे स्ट्रक्चर सभी पीस सपोर्ट पीस है दोस्तों, 3G पीस में वेल्डिंग हुआ है वो सभी दोस्तों इसमें आ गया। तो ओके दोस्तों नमस्कार, फिर अगले वीडियो मिलते हैं आप लोगों से।